तो यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। हालांकि जो लोग 5 बजे से पहले पोलिंग बूथों पर पहुंचे होंगे वो अभी भी मतदान कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक मतदान के जो आंकड़े आए हैं वो संकेत दे रहे हैं कि इस बार पश्चिमी यूपी में जमकर मतदान हुआ है। और जब मतदान ज्यादा होता है इससे कई संभावनाएं जन्म लेती हैं। इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में पहले चरण के मतदान का शोर शांत हो चुका है, लेकिन मतदान का बड़ा प्रतिशत विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों के लिए तूफान की तरह हो सकता है। आज पश्चिमी यूपी के 58 सीटों के लिए 11 जिलों में मतदान हुए। आने वाले दिनों में आज सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली करते हुए पश्चिमी यूपी के मतदान का जिक्र भी किया और चुनावी प्रचार भी किया। ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक शामली में 61.78%, मुजफ्फरनगर में 62.14%, बागपत में 61.35%, मेरठ में 58.52%, गाजियाबाद में 54.77%, गौतम बुद्ध नगर में 54.77%, हापुड़ में 60.50%, बुलंदशहर में 60.52%, अलीगढ़ में 57.25%, मथुरा में 58.51% और आगरा में 56.61% मतदान हुआ है। आपको आगे हम बताएंगे कि मतदान का आंकड़ा बढ़ना कई बार सत्ता पक्ष के लिए फायदेमंद रहा है तो कई बार विपक्ष के लिए। बीजेपी को उम्मीद है कि लखनऊ में कमल खिलेगा। माहौल साफ है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2022 की सरकार बनना तय कर दिया जनता ने। बिजनौर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने आज संयुक्त रैली की और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जीत का दावा किया और योगी सरकार पर निशाना साधा। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर दिखा था और किसान आंदोलन के एक अहम चेहरे राकेश टिकैत भी पश्चिमी यूपी से आते हैं। जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वोट को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया। आपका गणित, आपका समीकरण क्या कह रहा है कि 6 विधानसभा सीट में से कितनी किसको जाती हुई दिख रही है? हमें नहीं पता किसको जाएगी, लेकिन इनकी बहुत वोट कोको लेकर चली गई। कोको लेगी बीजेपी के लिए कोको। दरअसल बीते कुछ सालों में वोट प्रतिशत को लेकर दो अलग अलग ट्रेंड देखने को मिले हैं। एक स्थिति में वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब होता है सरकार और सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों का गुस्सा जाहिर होना। वहीं दूसरी स्थिति ये भी देखने को मिली है कि वोट प्रतिशत बढ़ने से सत्ता पक्ष को फायदा होता है, दोबारा सत्ता मिलती है। विशाल पांडे और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारी मतदान जब होता है तो उससे क्या संदेश मिलता है, आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है कि भारी हो अगर मतदान तो फिर चोट किसको होती है। तो देखिए, ये कई परिस्थितियां बनती हैं। जो स्थिति एक है, पहली स्थिति है, वो ये है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ मतदान होता है। इसका उदाहरण देखने को मिला था 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव जब हुआ, जब मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा बड़ा था। इससे पहले के चुनाव में लगभग 53% मतदान हुआ था, जबकि 2013 में जो मतदान प्रतिशत था वो कहीं ज्यादा उसमें उछाल देखने को मिला था, 68% के लगभग हुआ था। और इसका नतीजा क्या हुआ था? कांग्रेस की हार हुई थी, सीएम शीला दीक्षित भी चुनाव हार गई थी। जो दूसरी परिस्थिति होती है वो ये होती है कि सत्ता पक्ष के समर्थन में मतदान हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष को नुकसान ही हो, उसके समर्थन में भी ये मतदान हो सकता है। इसका उदाहरण देखने को मिला 2019 में, याद कीजिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और नतीजा क्या निकला था कि मोदी सरकार की वापसी हुई थी। एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार की वापसी हमने देखी थी लोकसभा चुनाव में। और जो परिस्थिति बनती है तीसरी, वो ये है कि गठबंधन के पक्ष में एक क्लीन स्वीप देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया 2013 में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी की विजय हुई थी, 2015 में भी जब हुए तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और
2014 में 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी हमने यही देखा। नतीजा क्या हुआ था? दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।